देखो इस क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग सर्किट इफ द इनपुट वेव फॉर्म इज एज शोन इन द फिगर, तो ये इनपुट वेव फॉर्म है और इसको हमने किस में पास करना है, पहले फिगर नंबर वन में फिर फिगर नंबर टू में, यानी कि पहले फर्स्ट डायोड में फिर सेकंड डायोड में, तो आपको ये बताना है किसकी आउटपुट क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन नीट में और मेंस में आया हुआ है। तो रूल नंबर वन, जब सिग्नल डिजिटल सिग्नल है जिसमें ऊपर वाला सिग्नल प्लस 5 वोल्ट पे और नीचे वाला माइनस 5 वोल्ट पे है, तो जब अपर सिग्नल जाएगा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा तो ये क्या है पी, पॉजिटिव सिग्नल जब पी में एंटर करेगा तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, और जब पॉजिटिव सिग्नल इसमें एंटर करेगा एन में तो रिवर्स बायसिंग होगी, और ऐसे जब नेगेटिव सिग्नल इसमें एंटर करेगा तो रिवर्स बायसिंग होगी और नेगेटिव इसमें एंटर करेगा तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सिग्नल इसमें जाएगा तो सिर्फ अपर हाफ बाहर निकलेगा, लोअर आउट हो जाएगा क्योंकि लोअर नेगेटिव रिवर्स बायसिंग कर रहा है, और जब ये सिग्नल इसमें जाएगा तो एन वाला नेगेटिव सिग्नल एंटर कर जाएगा, पॉजिटिव एंट्री नहीं करेगा, तो इसकी दो आउटपुट्स ऐसी बनेंगी। तो पहले वाला जब ऊपर वाला सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल है वो ऐसे जाएगा, नेगेटिव वाला ऐसे जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन। तो इंट्रिंसिक का मतलब प्योर है, तो एन आई है ये। इफ दिस सेमीकंडक्टर इज डोप्ड बाय डोनर इम्प्योरिटी, इफ दिस सेमीकंडक्टर इज डोप्ड बाय डोनर इम्प्योरिटी सच दैट नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बिकम्स गिवन, एन ही गिवन है, तो आपको डोपेंट कंसेंट्रेशन बताना है क्या होगा। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको एन ही गिवन है, आपको एन आई गिवन है, आपको एन एच की वैल्यू निकालनी है, एन एच आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला कर ही लिया ना, एन आई स्क्वायर इज एन ई इंटू एन एच, तो आपको इसमें डोपेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन गिवन है, आपको इसमें एन आई गिवन है इंट्रेंसिक की, और यहाँ से एन एच कैन बी कैलकुलेटेड। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब इज गिवन। तो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स इसमें गिवन है, सिलिकॉन एटम्स गिवन है, ये एन ई नहीं है, ये एन एच नहीं है, एटम्स है। दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ डोपिंग कर दी, ऐसा होता नहीं है, या तो एन के साथ करते हैं या पी के साथ करते हैं, ये कहते हैं एक साथ डोपिंग कर दी किसकी, विथ 5×10^22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक एंड 5×10^20 पर मीटर क्यूब एटम ऑफ इंडियम। अब आर्सेनिक और इंडियम में एक जो है वो डोनर टाइप है, एक एक्सेप्टर टाइप है, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देता है और एक होल जनरेट कर देता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एन आई गिवन है। अब एक चीज़ बताओ कि जब आपने इसमें आर्सेनिक इतना डाला और इंडियम इतना डाला तो कौन ज़्यादा है इसमें, इसमें आर्सेनिक ज़्यादा है। आर्सेनिक पेंटावेलेंट होता है, डोनर टाइप होता है, और इंडियम ट्राइवेलेंट होता है, ये एक्सेप्टर टाइप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और ये होल जनरेट करेगा, जब इकट्ठे डाले गए कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है और कोई होल जनरेट कर रहा है, तो कौन ज्यादा जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, इतने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। पॉइंट समझ में आया, दोनों के दोनों इकट्ठे क्रिएट कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी, और इनका जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुए इतने जनरेट हो गए, एन आई आपको पता है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से एन एच कैन बी कैलकुलेटेड। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा थी होल से, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब इज गिवन। अच्छा, रिपीट है, फाइंड the equivalent resistance of network as shown in the figure। equivalent resistance बतानी है, तो हर कोई सोचता है 12 और 4 parallel में है बात कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कह रहा है, between points A and B बतानी है, such that diode is idle। पहला केस, VA is greater than VB। जब मैं ये बोलता हूँ कि VA is greater than VB, तो आप मन में मान सकते हो कि ये positive terminal है और ये negative है, when VA greater than VB। अगर ये positive है तो ये P है, तो इसकी कौन सी biasing है, फॉरवर्ड, तो करंट इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, 12×4/12+4 आंसर डन। लेकिन जब VA less than VB है, तो इसका मतलब
कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी कौन सी बायसिंग है, तो ये करंट को पास नहीं होने देगा, इसको हटा दो, तो सिर्फ क्या आंसर आएगा 12। तो सेकंड केस में 12 आंसर आएगा सिर्फ। दूसरे पहले वाले केस में दोनों रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा है और दूसरे केस में सिर्फ 12 में से पास हो रहा है, तो ये दो आंसर हैं इसके। नेक्स्ट, द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फिगरेशन इज 70, बीटा गिवन है कॉमन एमीटर में, व्हाट इज चेंज इन बेस करंट, डेल्टा आई भी निकालना है। अगर चेंज इन एमीटर करंट इज गिवन, डेल्टा आई ई गिवन है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बीटा क्या होता है, चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट करंट, आउटपुट में कौन है कलेक्टर, इनपुट में कौन है बेस, तो इसकी रेशियो क्या है 70। और वो क्या कह रहा है इसमें, एमीटर करंट का चेंज 8.8 है। अब जो एमीटर करंट होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन बेस करंट चेंज इन कलेक्टर करंट, तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या जाएगा, डेल्टा आई बी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज म्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने किया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में किया था। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मोबिलिटी गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की जो एन एन की वैल्यू स्मॉल एन गिवन है और मोबिलिटी गिवन है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको निकालनी है क्या होगी, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्स नहीं लेना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो हमने ये क्लास में किया था ओम लॉ एन वेक्टर फॉर्म, तो ई क्या था करंट डेंसिटी की फॉर्म में जे इन टू सिग्मा रो, तो रो की वैल्यू ई बाय जे। अब जे वी डी क्या होता था आई बाय एन, नहीं आई बाय ए को जे पुट करते थे करंट डेंसिटी, तो जे की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एन पता है, मोबिलिटी पता है, ई पता है, यहाँ से रो कैन बी कैलकुलेटेड, रेजिस्टिविटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार देखें, क्वेश्चन है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। तब को याद होगा कि मैंने बताया था कि किसी भी डायोड या किसी भी ट्रांजिस्टर की कट ऑफ वैल्यू होती है जिसके नीचे वो काम नहीं करता, तो ये कह रहा है जर्मेनियम कम से कम 0.3 पे काम करेगा, करंट को पास करना शुरू करेगा, और सिलिकॉन 0.7 पे शुरू करता है, इसके नीचे वो शुरू नहीं करते। इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने इस फिगर में जर्मेनियम को उल्टा कर दिया तो ये जो V नॉट आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी वैल्यू से चेंज होगी ये बताओ। तो एक काम करते हैं, पहले जर्मेनियम को सीधा रखते हैं और सिलिकॉन तो सीधा है ही है। अब रूल नंबर वन, आपने आउटपुट आपने इनपुट कितनी दी थी 12 वोल्ट, तो सपोज करो इन दोनों में से कट ऑफ वोल्टेज किसकी कम है, 0.3 जर्मेनियम की है, तो जब वोल्टेज बड़ी होगी सबसे पहले कट ऑफ किसकी क्लियर हुई, जिसकी कम है, किसकी कम है जर्मेनियम की, जर्मेनियम में से करंट पास हुआ होगा, सिलिकॉन में से तब भी नहीं हुआ होगा क्योंकि पहले कट ऑफ किसकी क्लियर होनी है जर्मेनियम की, तो करंट किस में से पास हुआ उसी टाइम जर्मेनियम में से, तो जर्मेनियम जब ऑन हुआ तो नेट वोल्टेज आउटपुट क्या थी 12 में से, जर्मेनियम की कट ऑफ 0.3 है, 0.3 जर्मेनियम ले लिया, जर्मेनियम ले गया आंसर, यह आउटपुट वी नॉट आ गया। अब जब जर्मेनियम को उल्टा लगा दिया तो रिवर्स बायसिंग में आ गया, रिवर्स बायसिंग में उसे काम नहीं करना, तो किसने काम करना है, सिलिकॉन ने, तो सिलिकॉन की वजह से आउटपुट क्या आएगी 12 में से, सिलिकॉन की आउटपुट 0.7 कट ऑफ को माइनस करो आंसर। तो पहले आउटपुट इतनी आ रही थी, अब आउटपुट इतनी आ रही है, वो कह रहे चेंज इन आउटपुट कितनी आ रही है, दोनों आउटपुट को क्या कर लेना है माइनस आंसर, इतनी चेंज इन आउटपुट है।
ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आया समझ में आ रहा है? मुश्किल क्वेश्चन है वैसे, ये होगा नहीं उस टाइम, मतलब अगर ऐसा आए तो. तो गेट का क्वेश्चन तो ईजी है, पहले क्या बनाना होता है फॉर्मूला. जैसे ये एक्स है, ये वाई है, बनाया हुआ है इसने एक्स का एक्स बार, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई बार है. तो ये नैंड गेट लगाओ, वाई बार इंटू एक्स का बार, ये और गेट नॉर गेट लगाओ, दोनों आउटपुट को ऐड करो, ये नॉर गेट है, इन दोनों को ऐड करो और बार लगाओ. तो ऐसा कुछ बनता है. तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है इसमें, बस यहीं तक रहने दो. लगाना है डी मॉर्गन लगा लो, होल बार को ब्रेक कर लो, तो ये बार का बार ब्रेक होके प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसा कुछ बनेगा. फिर मैंने सिखाया था आपको ऑप्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, वन. तो एक एक करके एक्स और वाई को पुट करो, और जिसका उस फॉर्मूले में आंसर वन आ रहा है वो आंसर मार्क कर दो. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए. अब ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया, आपको क्या खास बात है इस क्वेश्चन में, एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ. और कई बार हमने ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन किए, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है. मैं बताता हूँ क्यों एक्सेप्शन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि जीनर डायोड है, और जीनर डायोड, इस जीनर डायोड के अंदर करंट बता दो. हर बंदा सबसे पहले यही सोचेगा कि अगर 120 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो ये भी 50 वोल्ट है, पैरेलल में है. तो हर कोई ये सोचता है कि ठीक है, ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस पता है, वी पता है, इसका करंट निकाल लेते हैं. ये 120 है, ये 50 है, तो ये 70 वोल्ट है, तो हम इसका करंट निकाल लेते हैं. तो इसके करंट में से कुछ यहां गया, तो बचा हुआ करंट यहां पे आ जाएगा आंसर. माइनस कर लेंगे, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ऐसे किया हमने. हम करंट डायोड में कैसे निकालते थे? पहले मेन करंट निकालते थे, फिर इसका करंट निकालते थे, इसमें से माइनस करके आंसर, डन. अब प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्निक बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई. चार ऑप्शंस को आपने, जब क्वेश्चन जीनर पे आएगा, आपने चारों ऑप्शंस पे एक बार सबसे पहले नजर मारनी ही मारनी है, और आपने ये देखना है कि कहीं मेरा ऑप्शन जीरो वोल्ट तो नहीं है कहीं, या जीरो करंट तो नहीं है. जीरो है. अब सोचो, जीरो कब होता है जीनर का करंट? जब उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन हो गया तो वो अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ये रिवर्स बाइसिंग में रहता है और करंट को ब्लॉक कर लेता है. अब यानी कि अब ऑप्शन में जीरो भी गिवन है और नॉन जीरो भी गिवन है. अब नॉन जीरो आंसर तब आएगा जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जीरो आंसर तब आएगा जब इसका ब्रेकडाउन नहीं हो. अब मुझे क्या पता ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों गिवन है. आपको क्या, आज तक तो ऐसे डिसीजन किया ही नहीं हमने, कौन सा चेक किया डायोड का ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, आज तक तो किया ही नहीं, क्योंकि आज तक किसी ऑप्शन में जीरो ऑप्शन था ही नहीं. नॉन जीरो ऑप्शन में पक्की बात है ब्रेकडाउन हुआ ही हुआ है, तभी जीनर अपने अंदर से करंट को पास होने दे रहा है. जीरो में पता नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, तो जब ऑप्शन में जीरो गिवन होगा जीनर डायोड के क्वेश्चन में, सबसे पहला काम ये चेक करना है इसका ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ. चेक करने का तरीका, माना जाएगा कि पहले इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो यानी कि ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा. तो ये दो रेजिस्टेंसेस किसमें कनेक्टेड हैं? सीरीज में. वोल्टेज कितनी है? 120. तो टोटल करंट क्या आएगा? 120 बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 और 10 मिला के 15 किलो हर्ट्ज. तो टोटल करंट बाहर कितना निकलेगा? 8 मिली एम्पियर. वो 8 मिली एम्पियर इसमें भी जाएगा. तो ओम दो लगाओ, 8 मिली एम्पियर को 10 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके आपके पास वोल्टेज 80 वोल्ट आएगी, 80 वोल्ट. अब आपको ये पता लग गया इसमें 80 वोल्ट है, ये अपना 80 वोल्ट इसको देगा, 80 वोल्ट जैसे इसको देगा, अब 80 वोल्ट इज ग्रेटर देन 50 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा. इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन तो हो लिया, और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा. फिर लगा लेना, वही लॉजिक वही है, पहले इसका करंट निकालेंगे, इसमें 50 वोल्ट लेंगे, इसका करंट निकालेंगे, फिर माइनस करके इसका करंट आएगा, रूल वही लगेगा. लेकिन अगर बाय चांस ये वैल्यू 80 वोल्ट ना आती और 40 वोल्ट आती, और इसकी रेटिंग 50 वोल्ट है, तो आपकी 40 वोल्ट जब इसको मिलेगी तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिर आंसर क्या मार्क करेंगे? जीरो. देखना पड़ेगा, इसमें तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर नॉर्मल क्वेश्चन है. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये लो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन वही है क्या, कि अगर मान लो आपके पास ये दो रेजिस्टेंस और एक तीन सी रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है, और जीनर लगा हुआ है जिसकी रेटिंग सिर्फ 10 वोल्ट है, तो जीनर में करंट बोल लो कितना है वो कह रहे हैं. अब पता नहीं, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जीरो है, हाँ जीरो है, ऑप्शन में जीरो है, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन हुआ या ब्रेकडाउन नहीं हुआ. तो पहले चेक कर लेते हैं, इसमें
चेक करने के लिए ये मानते हैं कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, पैरेलल, तो पहले ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ इसमें इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस 1250, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो टोटल करंट बैटरी कितना निकालेगी, आई निकालेगी। अब वो आई करंट जो यहाँ आएगा वो आई बाई टू और आई बाई टू इन दोनों में जाएगा, बिकॉज आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है इक्वल रेजिस्टेंस की, तो इसके अंदर वोल्टेज क्या बनेगी, आई बाई टू इंटू आर टू, आई बाई टू इंटू आर टू, आई हमारे पास है, आर टू हमारे पास है, कितना आ गया सॉल्व करके 7.2 वोल्ट। तो इसमें वोल्टेज 7.2 वोल्ट है, पर रेटिंग कितनी है जीनर की 10 वोल्ट, तो जब 7.2 इसको मिलेगा इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो जीनर का करंट क्या माना जाएगा, जीरो। अब जिसमें ऑप्शन में जीरो है उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा, और अगर ऑप्शन में नॉन जीरो है फिर तो पक्का ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म है। ठीक, जब ब्रेकडाउन हो गया, नहीं हुआ ब्रेकडाउन हो गया, फिर 50-50 वोल्ट पे काम चलेगा दोनों में। अगर ब्रेकडाउन हो गया फिर जीनर की रेटिंग 10 चलेगी, सॉरी 10 और 10 चलेगी, अगर ब्रेकडाउन हो गया फिर तो 10-10 पे काम करेगा, खत्म। ब्रेकडाउन नहीं हुआ फिर जो ओरिजिनल निकली 7.2 वो काम आएगी। ऐसे ये तो किया हुआ है, एक डायोड हटेगा एक रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग, गेट्स का सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी किया था सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम वही आई हुई है, इसमें फॉर्मूला बनाना है। लो ट्रांजिस्टर का ये क्वेश्चन पढ़ लें, ये क्वेश्चन पढ़ लें, ये आपसे होगा नहीं ना आपको समझ में आएगा, फिर भी पढ़ लें, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको करवाया ही नहीं है टेक्निक, एक ट्रांजिस्टर की एक टेक्निक है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का थ्योरी बताई है पर न्यूमेरिकल नहीं करवाया। आप क्वेश्चन पढ़ के रखें, मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, खास किस्म का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यूज देख लें पर क्या क्या बने।
क्वेश्चन की खास बात बताता हूं मैं आपको। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर का क्वेश्चन है। स्टाइल एक ही है करने का, दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्टाइल एक ही है कि ये इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, सारी चीजें कहेगा। वो कहेगा कि इस फिगर में वीबीबी जो है वो 0 से 5 वोल्ट तक मैं लेके जा सकता हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है, हम 5 ही पुट करेंगे ऑब्वियसली। इसमें वीसीसी की वैल्यू 5 वोल्ट है, रादर वी देखेंगे इसमें क्या पुट करेंगे। वो कह रहे रेंज है इसकी 0 से 5, चलो वीसीसी पक्का 5 है। बीटा डीसी इसमें गिवन है 200, आरबी की वैल्यू इसमें गिवन है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें गिवन है आरबी, और आरसी की वैल्यू भी गिवन है। वीबीई गिवन है, बीई का मतलब इनपुट, ये जो वैल्यू है ये 1 वोल्ट गिवन है आपको। द मिनिमम बेस करंट, आपको बेस करंट बताना है मिनिमम, एंड इनपुट वोल्टेज बतानी है, मिनिमम बेस करंट मतलब इनपुट करंट बताना है और इनपुट वोल्टेज बतानी है जब ट्रांजिस्टर विल गो टू सैचुरेशन। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन ही एक है, ट्रांजिस्टर विल गो टू सैचुरेशन। अगर आपने ये वर्ड देख लिया ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन, इसका मतलब ये टॉपिक एम्पलीफायर का नहीं है, ये टॉपिक ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का टॉपिक है। हमने किया था ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये टॉपिक क्या है, जब हमने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किया था तो आपको शायद हल्का सा याद हो तो ग्राफ वोल्टेज का ऐसा बनता था करंट के हिसाब से, या करंट का जो भी है कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो मुझे याद आ रहा है, कॉन्स्टेंट और ऐसी थी याद करो, जिसमें मैं ये बोलता था कि ये अभी ऑफ है ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन की कट ऑफ वैल्यू 0.6 है, और ये ऑन है ट्रांजिस्टर। जब ये ऑफ होता था तो आउटपुट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती थी, वोल्टेज की वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती थी, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो ये सैचुरेशन है, करंट सैचुरेटेड है, वोल्टेज सैचुरेटेड है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ऐसा कब होता था, आउटपुट कब कॉन्स्टेंट होती थी, जब ये स्टार्ट ही नहीं होता था, इसकी कट ऑफ वैल्यू सिलिकॉन की 0.6 वोल्ट थी, तो यानी कि अगर इनपुट वोल्टेज ही नहीं सही मिल रही तो आउटपुट आ नहीं रही थी, आउटपुट आ नहीं रही तो आउटपुट कॉन्स्टेंट आनी स्टार्ट हो जाती थी, ऐसा कुछ हमने किया था। तो इसको हम यूज करेंगे आज इसमें, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, आप रेफर भी कर लेना। बस आप इस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में एक चीज लिखना सीख जाएं, उस दिन भी सिखाई थी फिर सिखा रहा हूं, इनपुट, ये इनपुट सेक्शन है, इनपुट वोल्टेज, यहां पे अगर मैं लिखूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो आप लिखेंगे इसमें वीबीबी, वीबीबी प्लस आईबी इनटू आरबी। मैंने सिखाया था उस दिन कि ये वोल्टेज इसमें ऐड कर देनी होती है, इनपुट में वोल्टेज ऐड होती है आई इनटू आर। और मैंने ये भी सिखाया था अगर आपको आउटपुट वोल्टेज लिखनी है तो आप क्या करेंगे, वीसीसी में आईसी, वीसीसी में आईसी इनटू आर ऑफ सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिखाया था मैंने इनपुट वोल्टेज में आईआर ऐड करेंगे और आउटपुट में आईआर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और स्टेप सीख लें, इनपुट वोल्टेज को कभी कभी लिखा जाता है वीबीई, क्योंकि इनपुट बी और ई सेक्शन में है, तो इसकी जगह वी ऑफ बीई, वीबीई, और आउटपुट सेक्शन सी और ई के बीच में है तो लिखा जाएगा वी सी। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, आ गया लिखना। अब क्योंकि उसने वर्ड क्या यूज किया, सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अभी ऑन हुआ ही नहीं, अगर ऑन नहीं हुआ तो इनपुट वोल्टेज क्या रही होगी, जीरो, और अगर इनपुट वोल्टेज जीरो रही होगी तो ऑब्वियसली आउटपुट भी क्या रहा होगा, जीरो। आउटपुट जीरो मींस कि बिल्कुल सैचुरेशन है और एक कांस्टेंट वैल्यू पे है, ऐसा बोल सकते हैं। ये देखो ये इसकी इनपुट, ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है, ये इसकी इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन के ऊपर, सैचुरेशन के ऊपर आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, जीरो। जरा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ओपन कर लें एक मिनट, एक बार चेक कर लें, मेरे को लगता है कि इसमें शायद जो जब वो ऑन हो जाता है उसको सैचुरेशन बोलते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं, एक सेकेंड, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, एक सेकेंड ओपन कर लें, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में तो ये था एम्पलीफायर, ये आई एम सॉरी,
मैंने गलत बता दिया, सैचुरेशन यहाँ पर नहीं, सैचुरेशन ये रीजन है, राइट, सैचुरेशन उल्टा है, तो सैचुरेशन ये रीजन है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाती है, जीरो, तो ये रीजन कट ऑफ रीजन था, कट ऑफ एक्टिव और सैचुरेशन, ठीक है, तो चेंज करते हैं, तो ये सैचुरेशन रीजन है, जब आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो। तो वापस चलते हैं, देखो तो इसके अंदर हम क्या रिजल्ट यूज कर रहे थे, हाँ, तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज जो मैंने आपको लिख के दी थी वो क्या थी, ये आउटपुट वोल्टेज थी, सैचुरेशन के अंदर आउटपुट वोल्टेज को क्या कर देना है, जीरो। तो यहां से VCC किसके इक्वल आ जाएगा, IC into RC, तो यहां से IC की वैल्यू आ जाएगी, बस यही इसका ट्रिक है। सैचुरेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर, सैचुरेशन वाले क्वेश्चन में बस आउटपुट वोल्टेज को जीरो करके यहां से IC की वैल्यू आएगी, और अब VCC आपको क्वेश्चन में गिवन है और रेजिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहां से IC आएगा। अब ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन बन गया जिसमें गेन्स यूज करते हैं, गेन क्या होता है, बीटा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आपको IB निकालना है, तो IC आप निकाल चुके हैं, बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, आंसर आ गया, फिर तो गेन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो IB का मतलब इनपुट करंट है, एक तो आपको इनपुट करंट निकालना है, एक आपको इनपुट वोल्टेज भी निकालनी है। अब इनपुट वोल्टेज क्या है, ये इनपुट वोल्टेज है, पूरी की पूरी इनपुट वोल्टेज है। अब इनपुट वोल्टेज में क्या चाहिए, IB निकाल लिया, RB क्वेश्चन के अंदर RB गिवन है, VBE भी क्वेश्चन में सीधा गिवन है, ऐड करके आंसर, मतलब मेन स्टेप इसमें एक ही था कि आप आउटपुट वोल्टेज को सैचुरेशन में क्या करते हो, जीरो कर देते हो, वहां से IC की वैल्यू निकाल लेते हो। सेम क्वेश्चन इसके अंदर फिर से आएगा, यह क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि जीनर में करंट निकालना है और नॉन जीरो ऑप्शन, जीरो ऑप्शन ही नहीं है, और अगर जीरो ऑप्शन नहीं है तो यानी कि करंट जाएगा, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व हो जाएगा ये। फिर देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर है, तो ऑब्वियसली ये सेक्शन क्या है, ये एमीटर है, ये अर्थ का मतलब 000 वोल्ट है, तो आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 00 वोल्ट को आप वायर्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो बन गया कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर के अंदर वो कह रहा है डीसी करंट गेन ले लो, बीटा ले लो, आर ऑफ सी भी ले लो, वी सी सी भी ले लो, व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट, क्या निकालना है, आई बी, ताकि वी सी ई इस पे आ जाए सैचुरेशन। स्टेप वही है सैचुरेशन का, सैचुरेशन में वी सी सी माइनस आई सी आर सी इज इक्वल टू जीरो, आउटपुट कर वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से फिर से क्या आ गया, आई सी। अब आपको बीटा तो पता ही है, बीटा क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आपको इनपुट करंट आई बी निकालना है, आई सी आपने निकाल लिया, बीटा गिवन है आंसर, सेम क्वेश्चन है, दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, बट आइडिया समझ में आ गया कि सैचुरेशन वर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर विद 1 kΩ लोड रेजिस्टेंस। लोड कहां पर होती है, आउटपुट में, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। सिग्नल वोल्टेज 10 mV इज अप्लाइड अक्रॉस द बेस एमिटर, तो बेस एमिटर VBE, बेस एमिटर VBE की वैल्यू गिवन है। दिस प्रोड्यूसेस 3 mA चेंज इन कलेक्टर करंट, डेल्टा आई सी गिवन है, चेंज इन कलेक्टर डेल्टा आई सी गिवन है, एंड 15 μA चेंज इन बेस करंट डेल्टा आई बी गिवन है। इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन क्या होगा, गेन्स का क्वेश्चन है। आपको लोड रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस गिवन है, वी बी ई गिवन है, डेल्टा आई सी डेल्टा आई बी गिवन है, तो आप सिंपली इनपुट रेजिस्टेंस क्या यूज करोगे, इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, इनपुट में कौन है, बेस, और इनपुट में कौन है, बेस एमीटर, क्योंकि कॉमन एमीटर है तो बेस एमीटर, तो बेस एमीटर का चेंज पता है, डेल्टा आई भी पता है, एक आंसर। और ऐसी वोल्टेज गेन क्या है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या है, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, तो चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा आई सी इंटू लोड रेजिस्टेंस आरएल, आउटपुट ओम्स लॉ से वोल्टेज आ गई अपॉन इनपुट वोल्टेज, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इनपुट वोल्टेज कितनी गिवन है, बीई में, क्योंकि बेस और एमीटर दोनों इनपुट में है, 10 × 10⁻³ आंसर। तो इसमें आउटपुट इनपुट पता होना चाहिए, कौन आउटपुट है और कौन
इनपुट है नॉर्मल क्वेश्चन, ये गेट का नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाएगा ये तो। एन ट्रांजिस्टर है, ऑपरेट्स एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है विद अ पावर गेन ऑफ 60 डेसिबल, तो 60 डेसिबल का पावर गेन है। अब देखो पावर गेन हमें डेसिबल में कहाँ गिवन होते हैं, पावर गेन में तो रेशियो नहीं होती, वो तो पावर बाय पावर होता है, गेन्स की कोई गेन्स के यूनिट थोड़ा होते हैं। अब डेसिबल आपने सुना हुआ है, सुना हुआ है वेव चैप्टर प्लस वन में साउंड लेवल डेसिबल में होता था। अब वो कह रहा है कि इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस गिवन है और आउटपुट रेजिस्टेंस भी गिवन है, आपको कॉमन एमिटर करंट गेन बताना है। देखो एक चीज बता देता हूँ, पावर गेन जो होता है सीधा देखो वो एसी करंट गेन इनटू आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है। मेरे को इसमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकालना है, और मुझे अगर ये नॉर्मल तरीके से कोई दे दे तो मैं बीटा निकाल दूंगा। पर प्रॉब्लम है कि पावर गेन में नॉर्मल गिवन ही नहीं है, तो मुझे साउंड लेवल की फॉर्म में गिवन है, डेसिबल की फॉर्म में गिवन है। तो डेसिबल की फॉर्म में कोई भी चीज जब गिवन होती है, प्लस वन का फॉर्मूला है, डेसिबल जो होता है वो क्या होता है 10 लॉग ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, जैसे उसमें किया था आउटपुट इंटेंसिटी बाय इनपुट इंटेंसिटी। तो ये कितना गिवन है 60, मेडिकल में नहीं आएगा ये 60 और 10 कट के 6 आ गया, तो लॉग जब हटेगा तो 10 रेज टू पावर 6 आएगा, तो पावर गेन आएगा 10 की पावर 6। तो यहाँ पर पुट करेंगे 10 की पावर 6 तो बीटा आएगा। तो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कोई भी चीज़ अगर गेन डेसिबल में गिवन है तो सबसे पहले यहां वैल्यू पुट करके उसका गेन निकलेगा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर आ जाता है, वैसे एक ही बार आया है, ज्यादा आया नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल फिर से जीनर डायोड का क्वेश्चन है, ये अब हो जाएगा जीनर डायोड, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है गेन्स का, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें गेन निकालना है बीटा डायग्राम देख के, गेट का नॉर्मल क्वेश्चन है, डायोड के अंदर करंट फिर से निकालना है, सिंपल किए हुए क्वेश्चन ये। बाकी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये रिपीट है, हमने लास्ट टाइम कर लिए थे सारे क्वेश्चंस।